नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम योग और जीवन। योग से तात्पर्य योग शब्द का जो प्रादुर्भाव है वो संस्कृत भाषा के शब्द युज से बना है और जिसका तात्पर्य है जोड़ना। योग सही मायनों में शरीर को आत्मा से, आत्मा को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को अंतःकरण से जोड़ता है, जिससे शरीर में एक नया संचार, नई स्फूर्ति, नई सकारात्मकता पैदा होती है। जीवन से तात्पर्य वो बदलती हमारी जीवन शैली है, जिसमें हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, उसने कई तरह के अवसादों से मानव जीवन को घेर कर रखा है। और सही मानों में एक निरोगी काया पाना अपने आप में एक चुनौती बन चुका है। और निरोगी काया अगर आप पाते हैं तो वो केवल और केवल योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए योग का जीवन में और जीवन में योग का अभूतपूर्व जो महत्वपूर्ण जो स्थान है। और आज इस कार्यक्रम में योग और जीवन में हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ मैं आप लोगों से करवा देना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 12 से ज़्यादा ये किताबें प्रकाशित कर चुके हैं आयुर्वेद विषय पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रीता भल्ला जी, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर योगा डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हैं और योग विषय पर ही अपना पूरा कार्य कर रही हैं। साथ में हमारे साथ हैं श्री दिलीप सिंह जी, जो छात्र हैं, MA MPhil, इनका योग विषय रहा है, जो डेमोंस्ट्रेट करेंगे योग के कुछ आसन को हमारे साथ। और डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है योग और जीवन। योग की महत्ता की अगर हम बात करें तो आज योग किसी से छिपा नहीं है, योग को सभी जानते हैं, पूरा विश्व योग की महत्ता को स्वीकार करता है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर योग की प्रासंगिकता की बात करूं मैं आज के परिदृश्य में, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? मनुष्य का जीवन 4 बातों पर टिका हुआ है जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जी। आयुर्वेद यही कहता है, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम जी। इन चारों में भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो टिका हुआ है आरोग्य पर जी, आपकी सेहत पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो योग है, आयुर्वेद है, ये सब एक ही इनका उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः जी। तो आरोग्य कैसे, आरोग्य का जो बात है, स्वस्थ कौन है? देशी भाषा में हम कहें, कोई व्यक्ति हमारे पास रोगी आता है तो ये कह सकते हैं कि स्वस्थ कैसे पहचानेंगे, ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके लिए कहा है समदोष है समाग्निश्चय समधातु मलक्रिय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, स्वस्थ इति अवधीयते। ये महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संगीता में कहा जी। तो ये क्या है, ये जो इस श्लोक में बताया, दोष संतुलित होने चाहिए, वायु पित्त कफ, समाग्नि, 7 धात्वाग्नियां, 5 भूताग्नियां, ये सब संतुलित होनी चाहिए जी। और समधातुएं, सप्त धातुएं जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र हैं, ये भी समान संतुलित होनी चाहिए। और फिर बताया मल इत्यादि जो हैं वो भी संतुलित होने चाहिए, प्रस इतना भी नहीं है। फिर स्वास्थ्य का लक्षण बताया अगली पंक्ति में, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है जी। व्यक्ति का प्रसन्न होना जरूरी है जी, उसकी आत्मा का प्रसन्न होना जरूरी है जी, उसके मन का प्रसन्न होना जरूरी है जी। तो जहाँ प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन की बात शुरू होती है तो वहाँ योग शुरू हो जाता है जी। जी भल्ला, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। जैसे योग का विषय के बारे में हमने बात कही, भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने योग के विषय पर कार्य किया है। और सही मायनों में जो योग है वो जो विषय है वो प्रतिपादित ही भारत में हुआ है। भारत तब भी विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व को जो है पथ प्रदर्शक रहा है योग के क्षेत्र में। आज के परिदृश्य में हम बात करें, आज फिर भारत विश्व गुरु बनकर योग के क्षेत्र में आगे आया है, पूरा विश्व ने योग की महत्ता को समझा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता रहा है। तो भारत में जो ये प्राचीन काल से जो योग हमारे पास आया है उसकी उत्पत्ति और प्रादुर्भाव के बारे में अगर मैं आप कुछ कहना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे। योग शब्द या योग कहां से आरंभ हुआ जी, तो ये पाणिनी व्याकरण में इसकी व्याख्या भी आती है जी। या ये कहें कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से योग का आरंभ हुआ है। वेद से लेके उपनिषद, वेदांत, दर्शन, पतंजलि योग दर्शन में फिर ये आया जी। उसके बाद जैन बौद्ध दर्शन में जी। इस तरह से उन परंपराओं से चलता हुआ वो आज जो है, आज हम भारत में देख रहे हैं, बहुत ऋषि मुनि हमारे ऐसे हैं जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम दे रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं जी। तो ये परंपरा तो तब से ही रही है, गीता में भी योग की
कही गई है जी। इवन महाभारत में गीता बात कही गई है, मतलब कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो योग से अछूता हो। रामायण में भी योग की बात आई है जी। तो इसलिए जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से कह लें, या जब से वेद का उत्पादन हुआ तब से कह लें जी। और इसके कपिल मुनि जो हैं जी, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, तो उनसे माना है कि वो वहाँ से आरंभ हुआ जी। और उन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया। ये डिफरेंट डिफरेंट किताबों में कपिल मुनि को ही और हिरण्यगर्भ को ही जी अधिक माना है। तो यूं कह लीजिए भारत को जो है ये विरासत में मिला है, और ये अगली पीढ़ी का भी ये दायित्व रहता है कि इस योग जो विधा है इसको और फलने फूलने दिया जाए और इसे और आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, मैं पुनः मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी आपने बताया कि एक निरोगी काया क्या रहती है, स्वस्थ किसे कहा जा सकता है, स्वस्थ मानव किसे कहा जाता है, जिसको आपने अभी परिभाषित किया है। लेकिन एक स्वस्थ और निरोगी काया के लिए आहार, जो हमारा आचरण है, हमारा जो दैनिक आचरण है, हमारा जो खान पान है, जो सही मायनों में बदलती परिस्थितियों में बदला है, नई पीढ़ी जो है आजकल नए परिभाषा में खान पान खा रही है जो बिल्कुल शरीर के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है, सही मायनों में निरोगी काया के लिए आहार कितना जरूरी है और क्या आहार रहना चाहिए? बहुत उत्कृष्ट प्रश्न है। इसको ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद तो हजारों वर्षों से आयुर्वेद के महर्षियों ने जी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ वेद है जी, इन्होंने शुरू से ही आहार का महत्व प्रतिपादित किया जी। तो आयुर्वेद को हम दो हिस्सों में बांटें। आयुर्वेद का आधा हिस्सा तो है, उसको कहते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दूसरा है क्योरेटिव जी। तो हम जो प्रिवेंशन की बात करते हैं, वहाँ आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। महर्षि काश्यप हुए, उन्होंने कहा कि आहारो महाभैषज्यम, आहार सबसे बड़ी दवा है जी। बिना दवा के भी आप डाइट में परिवर्तन करते हुए आप रोगी को ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल व्यवहार में देखने में आता है। तो हर शास्त्र में यही कहा है, आयुर्वेद के बाद भगवद गीता में भी यही कहा है कि सात्विक राजसिक और तामसिक आहार बताए उन्होंने जी। भगवान कृष्ण ने आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना बल रस्यहा स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक आप्रिया, सात्विक लोगों को ऐसे आहार पसंद है। लेकिन दुखद बात यह है कि आहार में आज जो है आहार इतना दूषित हो गया है, इसी वजह से आज रोग पैदा हो रहे हैं जी। आज का एक युवा क्या खा रहा है? पिज्जा जी, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल जी, मंचूरियन, पैटीज, केक, कुरकेज, ब्राउनीज, ये चीज है जी। उनको जी, खाने का ये माध्यम है जी। वो दलिया खिचड़ी वो भूल चुका है। लेकिन आहार पर ही जब स्वास्थ्य टिका हुआ है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते जब तक आप आहार का परिवर्तन नहीं करते जी। आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि आयुर्घृते गुड़े रोगः नित्यम मृत्यु विदाहिषु आरोग्यम कटु तिक्तेषु बलम माशे पयस्तु चै। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने कहा कि आयु घृत, घी में आयु छिपी हुई है जी। यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो घी खाइए। बाद में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा कालखंड आया कि लोगों ने कहा नहीं घी मत खाना, घी को हाथ भी मत लगाना। बुजुर्गों ने कहा मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब एकड़ी जी। ये पारंपरिक बातें लोक कहावतों में बुजुर्गों ने कहा। हमने कहा आयुर्घृते, घी में उम्र छिपी हुई है, गुड़ में रोग छिपे हुए। हम दिन भर में 10 प्याले चाय पी रहे हैं, चीनी जा रही है, गुड़ में यानी जो गन्ने से बनने वाली चीजें उसमें रोग छिपे हुए हैं। नित्यम मृत्यु विधायिषु, जो जलन पैदा करने वाली चीजें हैं, चाय कॉफी या मिर्च मसाले जो भी हम खाते हैं, समोसे कचौड़ी, ये फास्ट फूड भी उसी में आते हैं, ये विधायी चीजें हैं, विधायी जी। तो इसमें मौत छिपी हुई है जी। आरोग्यम कटु तिक्तेशु, सवाल ये उठता है कि पर सेहत किस में है जी? सेहत बताइए कटु और तिक्त रस में। कटु रस की चीजें हैं काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, तेजपात, तुलसी, ये कटु रस है जी। और तिक्त रस क्या है? कड़वा रस, बिटर, उसमें गिलोय है, नीम है, इसमें सेहत छिपी हुई है। और फिर आपको ये कहा कि बलम माशे पयस्तु चै, यदि आपको बल चाहिए तो आप उड़द की दाल खाइए और दूध का सेवन कीजिए। वही बात हमने की, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े जी जी जी, दूध शक्ति बढ़ाता है जी। बिल्कुल सही बातें हैं, ये टाइम टेस्टेड बातें हैं जी। और ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इनको कहा, लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो लेकिन ये आज भी इस कालखंड में बिल्कुल प्रासंगिक है। और इसको हम इसका अनुशीलन करते हैं तो वैसे वैसे लाभ रोगी को मिलने लग जाते हैं। इसलिए आहार सबसे बड़ी औषधि जी। बिल्कुल भले, मैं आपके पास में आ रहा हूँ क्योंकि आहार पर हम बात कर रहे हैं अभी। आयुर्वेदा की नजर से आहार क्या है, आहार क्या होना चाहिए, वो डॉक्टर साहब ने अभी बताया। योग के पे, क्योंकि आप काम योग पे, योग विषय पे कर रही हैं, पहले भी योग विषय आपका रहा है, तो योग में आहार का क्या महत्व रहता है, अब योग के दौरान आहार क्या होना चाहिए, और एक जो योगासन करते हैं उनके लिए आहार कैसा होना चाहिए जी मैम?
देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर साहब ने कवर कर दी हैं जी, क्योंकि जो गीता की बात उन्होंने कही, योग सात्विक राजसिक और तामसिक की बात करता है जी। केवल अंतर थोड़ा सा यहाँ ये आ जाता है कि लोग ये समझते हैं कि आहार वो है जो जीवा को स्वादिष्ट करने जी, वाला है, जीवा के रस को लेने वाला है जी। आज का जो युवा वर्ग है वो जिस तरह का भोजन खा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का भी कसूर है जी। बच्चा जब कोई चीज़ मांगता है, या आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं डॉक्टर जाते हैं तो वो सेरेलैक्स खिलाते हैं जी, तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि बच्चे को दलिया खिलाया जाए या बच्चे को खिचड़ी खिलाई जाए, तो उनका टेस्ट ही नहीं है ट्वेल्व। तो उसके लिए जो पहले की पीढ़ी है उनका भी कसूर है जी। इसलिए बच्चों को इमिजिएटली ये कहा जाए कि आप ये बिल्कुल छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं रहता। जैसे इन्होंने बोला लौंग इलायची वगैरह, या आप कहें कि जो आपके किचन में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ही आपको फ़ायदा देने वाली जी, जिनमें सारे ही तरह के मसाले आ जाते हैं जी। हरी सब्जियां हैं उनको खाना चाहिए, जबकि लोगों को ज़्यादातर लगता है कि पता नहीं कौन कौन सी महंगी चीज़ें बताएंगे, ऐसा नहीं है जी। आप धनिया खाइए, आप पुदीना खाएँ, आप तुलसी की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, आप तुलसी ले सकते हैं, आप पालक खाएँ, आप खीरा खाएं जी। फाइबर वाली जितनी चीज़ें हैं उनको खाने से पेट साफ रहता है, जिसके पेट अगर साफ है तो आपकी बहुत सारी डिजीज़ ख़त्म हो जाती है जी। क्योंकि ज़्यादा 99% डिजीज़ जो हैं, बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं जी। तो इसलिए ऐसा जो खासकर भोजन में जो हम बात करते हैं कनक की, इन चीज़ों की जी, तो उसमें भी हमें वो भोजन लेना चाहिए, अन्न वो लेना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो जी। जैसे आप बाजरा है, ज्वार है, रागी है, अब इन चीज़ों को पहले बिल्कुल भूल गए थे लोग जी। अब इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है क्योंकि बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए लोग, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, आयुर्वेद भी बताता है, सभी पैथीज इसके ऊपर जोर दे रही हैं जी। स्प्राउट जैसे हैं वो आयुर्वेद मानता है, हम लोग भी मानते हैं, एलोपैथिक भी मानता है जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक्चुअल में लोग वहाँ उलझ जाते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं जी। एलोपैथिक कहता है कि जी खनिज होने चाहिए, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, आपके कैल्शियम होना चाहिए, तो वहाँ पे ये लगता है कि ये चीज़ें खाएं या ये चीज़ें खाएं जी। पर यहाँ सोचने की बात ये है कि जो हम खा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिर्च की भी बात बता रही हूँ जी। हरी मिर्च बहुत छोटी सी चीज़ है जी। और सब्जी लेने जाओ तो हरी सी मिर्च जो है वो मुफ्त में मिल जाती है, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। सब्जी का कोरम भी पूरा नहीं माना जाता हरी मिर्च के बिना। धनिया हरी मिर्च जो है उसके साथ चलती है जी। उसमें मैग्नीशियम है जी। उसमें फास्फोरस है जी। उसमें ओमेगा 6 है जी। उसमें कैल्शियम भी है, तो उसको खाने में ऐसा नहीं है। लाल मिर्च जैसे है, लोगों को लगता है कि लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, अकेली हरी मिर्च खानी चाहिए जी। ये बिल्कुल भ्रम है जी। तीनों ही तरह की मिर्चें, काली हो, लाल हो या हरी मिर्च हो जी, उनका संतुलन बना के खाना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा संतुलन जी। तो चाहे भोजन हो उसमें भी अगर आप संतुलन बना के खाते हैं, रस भी लेते हैं, कड़वा भी लेते हैं, तीखा भी लेते हैं, सभी तरह का भोजन लेते हैं जी, तो हमारे अंदर के जूसेस और जो एंजाइम्स निकलते हैं उनमें भी संतुलन रहता है। तो योग संतुलन के ऊपर बात करता है जी। उसी तरह से हमारे बहुत सारे नट्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिसमें बादाम सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। कोई भी डिजीज़ का आदमी बादाम ले सकता है और किसी भी मात्रा में ले सकता है, 10, 11, 12, 15, 20, 25 तक खा सकता है। अखरोट विटामिन डी का सोर्स है जी। एक अखरोट अगर कोई खाता है तो उसको विटामिन डी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। मखाने हैं, उनके अंदर बहुत है जी। हमारे चारों तरह के मग्स हैं, खासकर पम्पकिन सीड्स जो हैं जी, उनके अंदर मैग्नीशियम बहुत है, फास्फोरस बहुत है, ओमेगा 6 बहुत है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, फैट के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है जी। तो मगज जो है वो भी लिए जा सकते हैं। मगज चलो कॉस्टली मानते हैं कि भी ये है, तिल ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं जी। इसलिए बहुत सारा भोजन ऐसा है जिसको स्वादिष्ट भोजन भी है और उसको बच्चे भी पसंद करते हैं जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं खाते, उसके फॉर्म को हमारे को चेंज करते चेंज हैं, उनको खिलाना चाहिए जी। और जैसे मैम इस कार्यक्रम में हमने योग और जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, बहुत से विषयों को हमने लिया है, योग और जीवन में योग का होना भी लाजमी है, तो आप अभी हमारे दर्शकों तक योग का कौन सा आसन ऐसा अभी आप उन तक पहुँचाएंगे जो
अलग अलग तरह के कई रोग हैं जिनके लिए वो एकमात्र आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर उनके लिए लाभदायक हो सकता है उस आसन का किया जाना। जी देखिए, ऐसा है कि योग में खड़े होकर के करने वाले आसन भी हैं, बैठ के करने वाले भी हैं, आगे झुकने वाले भी हैं और पीछे झुकने वाले भी हैं। तो जो भी योग करते हैं उनको इस तरह के आसन करने चाहिए जिसमें चारों ही चीज़ें कवर हो। जी। अगर एक चीज़ कवर होती है तो दूसरी उसको असंतुलन कर देती है। जी। तो सी सा की थ्योरी जो हम वो फट्टे के ऊपर बैठ के खेलते हैं उसके ऊपर संतुलन के ऊपर ही योग के आसनों की बात है। जी। सूर्य नमस्कार में काफ़ी सारे आसन आ जाते हैं, तो पहले हम एक सिंगल सिंगल आसन थोड़ा करवाते हैं जिसमें बैलेंसिंग आसन को हम सबसे पहले लेंगे। जी। सबसे पहले हम कराएंगे ताड़ासन। जी। जितने भी योग के आसन हैं तो वो सभी आसन किसी ना किसी उसके ऊपर उनका नाम है। जी। आप स्टार्ट करेंगे दिलीप ताड़ासन और उसके साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। ताड़ासन में हम अपने दोनों हाथों को सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ करते हैं और उसके साथ ही पंजों के बल आ जाते हैं और जितना आप हाथों को ऊपर खींचना चाहें खींच सकते हैं उतना खींचिए। देखिए जब हम खींचते हैं तो इसमें थायराइड के ऊपर भी असर पड़ता है तो थायराइड ग्लैंड को भी ठीक करता है, पेट खींच रहा है तो लिवर पैंक्रियास सब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फर्क आ रहा है। आप अपने आप धीरे धीरे छोड़ देंगे इसको और सांस को छोड़ते हुए नीचे वापस आते हैं तो इसमें शरीर पूरा ही खींचता है तो शरीर को स्ट्रेच करने के लिए इस आसन को किया जाता है। जी। दूसरा आसन हम दिखाएंगे कोणासन। जी। कोना स्टार्ट करने दिलीप आप। कोणासन में साइड बैंडिंग्स रहती हैं, पहले हमने ऊपर की तरफ को खींचा शरीर को, अब हम साइड की तरफ से खींच रहे हैं तो दोनों पैरों को फैलाया और जिस तरफ जा रहे हैं वो पैर आप देख सकते हैं जो दिलीप कर रहे हैं उस तरफ किया और उसके बाद उसको हाथ से टच किया और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखा। तो इस आसन को करने से इसको दोनों ही तरफ से करें, ये आसन दोनों ही तरफ से किया जाता है। कोई भी आसन अगर एक तरफ से करेंगे अगर एक बैंडिंग करी तो दूसरे में नुकसान हो जाएगा तो इसलिए इसमें क्या है कि आपकी कमर खींच रही है टांगें खींच रही हैं तो टांगों के मसल्स इसमें स्ट्रांग होते हैं, आपके पैर के मसल्स हड्डी आपके घुटने की हड्डी वापस आए और धीरे धीरे सांस को लेते हुए जाएंगे। तो जब हमें नीचे झुकना है तो सांस को छोड़ना है, जब ऊपर आना है तो हमें सांस को लेना है। ये दो आसन खड़े होकर के करने वाले आसन हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आसन बताए जाएं जो आसान हो और लोग आसानी से कर सकें क्योंकि टफ आसन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो इसलिए आसान आसन दिखा रहे हैं। अमूमन दैनिकचर्या में यदि कोई योग करना चाहता है तो योग क्या मात्र टेलीविजन के माध्यम से देखकर ही किया जा सकता है या किसी कुशल योग प्रशिक्षक का होना अनिवार्य रहता है? देखिए योग कुशल का होना जरूरी है जी, क्योंकि अगर आप टीवी से देख रहे हैं जी उसमें क्या गलत कर रहे हैं वहाँ करेक्शंस नहीं होती जी, और टीवी पे पता नहीं चलता सांस कितनी जोर से छोड़ना कैसे नहीं क्योंकि उनका स्पीकर इतने नज़दीक होता है तो वो लोग जब उसको उसी फोर्स से छोड़ते हैं तो उनको नुकसान होता जी। है करेक्शन जब तक नहीं होगी सांस कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं वो पता नहीं लगता है जी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि भी वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के सामने करें जिनको योग का पता हो जी। और अगर वो उससे करते हैं तो उनको 100% फायदा होता है जी। जब टीवी से देख करके करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 50% ही होता है और कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है जी। तो इसलिए टीवी से ना देख करके करना चाहिए ऐसे, पर चलिए टीवी में चल रहा है तो उसको देख के कुछ जी, बिल्कुल हम पुनः योग पर दोबारा आपके पास आएंगे। मैं डॉक्टर साहब पुनः अभी आहार की हमने बात की है आयुर्वेदा की बात की, तो जैसे अगर हम वर्ष भर में जो हमारी ऋतुएं बदलती हैं ऋतुओं के अनुसार आहार क्या रहना चाहिए, हर ऋतु पे एक आहार विशेष रहना चाहिए या 12 महीने एक सा आहार चल सकता है या ऋतुओं के हिसाब से आहार होना चाहिए? नहीं, ऋषियों ने जो हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने जो काम किया जी इसमें बहुत गहराई में सूक्ष्म चिंतन किया जी। उन्होंने तो भोजन ग्रहण करने की विधि किस महीने क्या खाना जी, सुबह क्या खाना, कौन से फल सुबह नहीं खाने,
रात को क्या सेवन नहीं करना, दोपहर में क्या भोजन करना, ये सब विस्तार से बातें बताई। अब इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बातें शास्त्रों में कही गई वही सारी आम आदमी ने उनका अनुशीलन किया जी। आम आदमी ने संस्कृत क्योंकि वो नहीं जानता था तो उसने अपनी देशी भाषा में वो सारी बातें अपने अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में उनको आत्मसात किया जी। अब जैसे मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि किस महीने में क्या नहीं खाना जी। कहावत है चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ के पंत आषाढ़ में बेल जी। जेठ का महीना चल रहा है जी, इसमें का पथ गमन नहीं करना चाहिए, पैदल नहीं चलना चाहिए जी। आषाढ़ में बेल, बेल वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए जी। सावन साग भादो में ही क्वार करेला, कार्तिक दही अगहन जीरा, पूसे धना मागे मिश्री फागुन चना जी। जो कोई इतने परिहरे ताघर बैद पग नहीं धरे, जो व्यक्ति इन चीजों को छोड़ देता है उसके घर में वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि क्वार करेला चैत गुड़ भादो मूली खाए जी, पैसा जावे गांठ का रोग गले पड़ जाए जी। क्वार के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए जी, चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए जी, और भादो के महीने में मूली नहीं खानी चाहिए जी। यदि कोई खाता है इस तरह से तो उसको उसको धन नाश होता है, लक्ष्मी नाश, कई तरह के विकार। ठीक है, मैंने ये बताया कि ये नहीं खाना चाहिए जी। तो हमारे बुजुर्गों को बहुत अच्छे से ज्ञान था जी कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो कहते हैं कि क्या खाना है, सावन हरे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूली अगन तेल, पूस में करो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाओ, फागुन उठ के प्रात नहाओ जी। इस तरह से उन्होंने बताया कि किस महीने में हमें क्या खाना चाहिए जी। तो जेठ मास जो दिन में सोवे ओकर सिर आषाढ़ में रोवे, इसका मतलब हो कि जो जेठ के महीने में दिन में सोता है उसको आषाढ़ के महीने में बुखार नहीं आता जी। इतना अद्भुत, इतना दिव्य ज्ञान, इतना सहजता वाला ज्ञान उनको था जी, और जी। वो उसके आधार पे जीते थे और शतायु होते थे, शतायु जी। और बिना रोग मुक्त होके वो जीवन जिया करते थे, उनको कोई कैंसर, आज जो हमारे मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, किडनी फेलियर, ये बीमारियां जो मुंह बाई खड़ी हैं वो उस कालखंड में नहीं होती थी, होती थी। आज हर युवा जो है, हर तीसरा युवा बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास रोगी आते हैं 30 वर्ष का युवा है, यूरिक एसिड उसका 11 है, क्या मतलब बनता है जी। क्योंकि उसको ये पता नहीं है, बुजुर्गों ने कहा हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथी डाल गिलोए, पंचम जीरा डालकर निर्मल काया होए जी। वो ये नहीं जानता है कि काया कैसे निर्मल करनी है जी। बुजुर्गों को ये पता था कि निर्मल काया ऐसे करनी है जी। और योग वाले भी हमारे बाबा बालकनाथ जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, उन्होंने कहा अवधु आहार तोड़ो, निद्रा मोड़ो, कबौ ना होएगा रोगी, छठे छमासे काया पलटीबा, जू बिरला जू योगी जी। ये योग की बात कर लीजिए आप जी, उसमें भी आहार वैसा ही है, हमारे यहाँ भी आहार वही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। दोपहर में क्या खाना है, हमें सुबह उठ करके पानी पीना है, कितनी बजे उठना, 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत जी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने भी कहा वेस्टर्न पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति वालों ने कि आप जो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, उन्होंने इतनी गहरी बात कह दी कि आप सुबह उठ करके जल्दी उठेंगे तो आप जो है आप मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बुद्धि बढ़ेगी, इतनी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो हमारे महर्षियों ने बहुत पहले कह दिया। तो बात क्या है कि जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत हैं जी, तमाशा देखने को इंसान बहुत हैं जी, और खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं जी। बहुत को तो आयुर्वेद बिल्कुल आसान देता है जी, और हमारा सौभाग्य कि हम लोग हम योग और आयुर्वेद इसकी विधा को हमें बुजुर्गों ने बताया तो हम इसको हमें बिल्कुल क्योंकि समय के द्वारा सुपरीक्षित है, इसका हमें पूरा इसको आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, हम हमारी संस्कृति हम उसके प्रति उपेक्षा भाव है जी। हमारी एक कालखंड ऐसा निकल गया, हमने पूरी उपेक्षा भाव रखा जी, कि हमने इन चीजों को हमने दुत्कारा, हमने भोजन के साथ पानी पीना है नहीं पीना है जी, भोजन कैसे करना है, शास्त्र ये कहता है, हमारे चरक संगीता में लिखा है भोजन कैसे करना है, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम नाति दुर्तम नाति विलंबितम अजल्पिन आहसन तन्मना भुंजित आत्मनम अभिसमीक्ष सर्वम। ये कह रहे हैं कि गर्म खाना खाइए, चिकना खाइए, मात्रा पूर्वक खाइए, ज्यादा नहीं खाना है जी। वो योग वाले कहते हैं भोजन के बाद वज्रासन कीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना है, एक एक कर्ण को पचा देता है वज्रासन जी, जीर्ण पिछला भोजन हजम हो जाए उसके बाद अगला भोजन कीजिए जी, और विरुद्ध भोजन मत कीजिए जी, दही के साथ जो है जो विरोधी चीजें वो मत खाए, मत सेवन कीजिए,
बहुत जल्दी में भोजन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा धीमे गति से भोजन नहीं कीजिए, इतना बिना हंसे हुए भोजन करना चाहिए, तसल्ली से पूर्व दिशा की ओर बैठ करके भोजन करना चाहिए, जमीन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए जी। उससे क्या होगा, आपके घुटने पर बुढ़ापे तक सही रहते हैं जी। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा करिए आप, घुटने स्वस्थ बने रहेंगे, आपको जो है आपको बीमारियां होंगी नहीं, आप इतनी सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इतना अद्भुत विज्ञान है, इतना अद्भुत रहस्यमय विज्ञान है, इसको हम प्यासे खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं इस जहान में, प्यासे खड़े हुए हैं समुन्द्र के आसपास। जी जी, योग और आयुर्वेद हमारे पास है, इतना बड़ा ऋषियों की देन है, हम उसको छोड़ करके हम भटक रहे हैं, तीसरी दुनिया में भटके हुए हैं। एक लंबा समय हमारी विमुखता रही इस विषय की ओर, हाँ जी, लेकिन पिछले कुछ एक समय से इस विषय की ओर दोबारा से पूरे विश्व का ध्यान गया है और पुनः भारत जो है एक विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का पथ प्रदर्शक बना है योग क्षेत्र में। मैम, पुनः मैं आपके पास आ रहा हूँ, जैसे आहार के बारे में अभी आयुर्वेदक पर हमने चर्चा की कि आहार क्या होना चाहिए, किस ऋतु में क्या होना चाहिए, किस समय में क्या खाना चाहिए, योग अगर किया जाना है तो क्या आहार लिया जाना आवश्यक है, या योग करने से पूर्व कितने समय अंतराल तक जो है आपको खाली पेट जो योग करना है, योग के करने के बाद कितने समय के अंतराल के बाद आप आहार ले सकते हैं, या किन परिस्थितियों में यदि कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो किसी तरह के संक्रमण या दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, तो क्या वो अल्प आहार या थोड़ा आहार लेकर योग कर सकता है जी? ज़्यादातर तो ऐसा है कि बिना खाए पिए योग करना चाहिए जी। अब ये अक्सर में लोग योग को केवल आसन तक समझ लेते हैं जी। अब योग में अगर आसन करने हैं तो आपको खाली पेट करना होगा जी। प्राणायाम करना है तो आपको खाली पेट करना होगा। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसे खाली पेट किया जाता है, षटकर्म है उन्हें खाली पेट किया जाता है, इसलिए सुबह शौच जाने के बाद ही आसन करने चाहिए जी। या आपका 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए जी। क्या आपने सुबह जब ब्रेकफास्ट किया और लंच के बीच में 5 घंटे का अंतराल है, तो इसलिए उससे पहले भी आप कर सकते हैं जी। जैसे आपने कहा कि बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार है, तो उनको क्या करना चाहिए, उन वैसे तो कुछ बिना खाए करना चाहिए, पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो बादाम खा सकते हैं, 2-4 बादाम खा लिए, 1-2 बिस्किट खा लिया, 15-20 मिनट के बाद वो आसन कर सकते हैं जी। और प्राणायाम जो है वो भी करना तो खाली ही पेट चाहिए जी। इसलिए थोड़ा अंतराल तो होना ही चाहिए जी। तब हमें करना चाहिए। अगर हम योग आसन की अब हम पुनः बात करें, अब कौन से ऐसे योग आसन आप हमारे दर्शकों तक बताना चाहेंगे जो उन्हें अलग अलग, चलिए अभी हमने पहले खड़े होकर के किया, अब हम बैठ के करवाते हैं जी। तो सबसे पहले है गोमुख आसन जी। तो इसका नाम भी दिलीप आप शुरू करेंगे, गौमुख आसन, गौ के मुख जैसा है जी। और इसलिए जैसे ताड़ासन जो है वो पेड़ की तरह से था, इसी तरह से कोण आसन हमारा षटकोण त्रिकोण बनता है, उस तरह से किया जाता है जी। इसमें पैर को फोल्ड कर करके आपने देखा कि दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं हिप की तरफ, और बाएं पैर को फोल्ड कर करके दाएं पैर के ऊपर से लिया, और उसके बाद पीछे से जो पैर ऊपर है उससे उलट हाथ को पीछे लेकर के पकड़ना है, जिससे इससे क्या है कि एक हिस्सा जो है हमारा वर्क करता है, एक हिस्सा नहीं करता, तो ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है जी, क्योंकि एक रेस्ट करती है दूसरा नहीं, लिवर के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, हमारे जॉइंट पेंस के लिए भी अच्छा है। धीरे धीरे दिलीप आप छोड़ दें इसको, और इसी तरह से इसे दूसरी तरफ से भी किया जाना चाहिए। तो कोई भी आसन जैसे है उसको हम दोनों ही तरफ से करते हैं, जो टांग नीचे थी अब उस टांग को ऊपर करेंगे, ऊपर वाली टांग को नीचे करेंगे, और जो हाथ ऊपर था उसको नीचे लेकर के जाएंगे, और बेनिफिट दोनों ही तरफ से सेम है, चाहे आप दाएं से कर रहे हैं चाहे आप बाएं से कर रहे हैं। चेस्ट आपकी बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए, और जिससे कि आपके लंग्स जो हैं प्रॉपर फैलते हैं और उनमें सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए छोड़ दें इसे गौमुख आसन कहा गया है जी। और गौमुख आसन आपने इस तरह से बैठ के किया, और अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन जी। अर्ध का अर्थ है आधा जी, वैसे मत्स्येंद्र पूर्ण मत्स्येंद्र आसन भी होता है, स्टार्ट करें आप, पर पूर्ण मत्स्येंद्र आसन बहुत टफ आसनों में से है, इसलिए हम पूर्ण ना दिखा करके अर्ध मत्स्येंद्र आसन दिखा रहे हैं जी। इन्होंने एक पैर को फोल्ड करके दूसरी तरफ लिया, फिर ऊपर से पैर को पकड़ा और पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ लेकर के गए। इसमें क्या है
कि हमारा घुटना लिवर को प्रेस कर रहा है, पैंक्रियास को प्रेस कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि जब वो प्रेस होता है विंड को दूर करने के लिए भी ये आसन अच्छा है। दूसरी तरफ से करेंगे, इसमें भी सांस को फिर छोड़ते हुए वापस आएंगे, और जो कि हाथ पीछे था दूसरा जाएगा, जो टांग पहले नीचे थी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोनों ही तरफ से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसे करना चाहिए। अर्थ मत्स्येंद्र आसन, हमारे एक ऋषि हैं, मत्स्येंद्र ऋषि माने गए हैं जी। और कहा जाता है कि वो इसी आसन पर बैठ करके तपस्या किया करते थे, वापस आए आप, तो इसलिए इसका नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी कहा गया है जी। इससे नेक्स्ट आसन हम लेट करके करवाएंगे जी, पेट के बल लेटेंगे, भुजंग आसन सबसे पहले करेंगे। कभी भी योग जब किया जाता है, अगर आसन की हम बात करें, जब आसन बनाया जाता है तो वो कितने समय अवधि तक उस मुद्रा में रहा जाना है ताकि शरीर को उसका फल मिल सके, उसका लाभ मिल सके। जितनी कैपेसिटी आप में है उतनी कैपेसिटी से करें, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से सुखपूर्वक, आसन की परिभाषा ये है कि स्थिर सुखम आसन, आप भुजंग आसन शुरू करेंगे भूपेंद्र दलीप, कि जिस तरह से हम सुखपूर्वक जिस आसन को आसानी से कर सकें उतनी देर करना चाहिए, शरीर को बिना कष्ट दिए। बिना देखिए, कष्ट अगर दिया तो वो योग नहीं है जी, तो वो जिमनास्टिक हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा जी, जी। तो और इसमें सांस को भरते हुए ऊपर गए और वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसमें चेस्ट भी पूरी फूल रही है, थायराइड भी पूरा उसको एक्टिवेट हो रहा है, पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, टांगें स्ट्रेच हो रही हैं तो वो अपना वर्क कर रही हैं। तो ओवरऑल ये, और जिनकी पीठ में दर्द है, कोई चोट लगी हुई है, बहुत सवेर चोट है तो उनको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पीठ में अगर दर्द है तो उनको इस आसन को करना चाहिए जी। इसी का ही दूसरा रूप है नौकासन जी। नौकासन में इसी तरह से लेटेंगे, पेट के बल ही लेटेंगे, स्टार्ट करने के लिए इसमें दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाए और पीछे से टांगे उठाएं। भुजंगासन में हमने केवल आगे वाला हिस्सा उठाया था, तो इसमें दोनों हिस्से उठा रहे हैं, वापस आएंगे। इसमें जब हम वापस आएं, जब हम इस पे स्टैंड करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे पेट पे पड़ता है जी। तो इसलिए पेट के पूरे विकार, और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है जी। शुगर के लिए बहुत सारे आसन हैं जिनमें से एक ये आसन भी उचित आसन माना गया है जी। जैसे हमने आप पेट के बल आसन दिखाए, उसके बाद हम पीठ के बल आसन दिखाएंगे जी। पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन से नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पवन को मुक्त करने वाला, मतलब वो वायु जो हमारे पेट में है और वो हमारे को तंग करती है जी। जैसे हम कहते हैं कि विंड पास नहीं होती है जी। तो इसमें सांस को छोड़ते हुए गए जी। और पेट को प्रेस किया और फिर घुटने को लगाया जी। सिर को, और वापस आए धीरे धीरे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे करेंगे जी। और धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेकर के जाएंगे जी। और ये आसन जो है ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है जी, पेट के विंड के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, मैक्सिमम चीज़ों के लिए ये आसन अच्छा माना जी। मौजूदा समय की अगर हम बात करें, मौजूदा समय में आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक सीमित हो गई है, शारीरिक व्यायाम है, मैदान के खेल कूद है, वो कहीं उनसे दूर से रह गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? आप समय पर जीवन शैली जीना चाहिए जी, युवा पीढ़ी को जी, और अच्छे से हंसना खेलना चाहिए जी। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ मर्ज चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से जी, और खाए पिए समय पर और समय पर सोए जी, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए जी, योग में जीवन शैली अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन शैली को बिल्कुल विशुद्ध तरीके से अपनाइए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, सफल रहेंगे। जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जी। नमस्कार, नमस्कार। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का, किसी और कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।